कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो श्री भगवान कपिल अपनी माता को समझा रहे हैं योग की जो विधि है वो समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कपिल मुनि कहते हैं अपनी माता को निपात मजे, जो यहाँ पे बताया गया है निप आत्मजे का अर्थ है ये राजपुत्री, जो हम जानते हैं, पहले भी जान चुके हैं कि माता देवहूति जो है अपने पिता, कौन है उनके पिता, कौन है, स्वयंभू मनु, मनु ये अपनी इच्छा व्यक्त करते करती है कि मुझे कर्दम मुनि से विवाह करना है। कर्दम मुनि एक महान योगी थे, वन में रहते थे और तुरंत जो है मनु ने अपनी पुत्री को उनके पास लेकर ले गए और उनकी उनको जो है कर्दम मुनि को सौंप कर उनकी इच्छा पूर्ण थी। हम देखते हैं कि किस प्रकार से कर्दम मुनि एक योगी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये जो राजपुत्री है, प्रिंसेस, जितने बड़े महल में रहकर नौकर चाकर और सब सुविधा करिया भी ना सुविधाएं थी, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक घर भी नहीं है, ना कुछ खाने की चीज, ना नौकर, ना कुछ चाकर, ना कुछ भी कोई सुविधा, फिर भी वे अपने पति की सेवा करके अपना सब कुछ भूल कर, और पति जिस प्रकार से उनको रख रहे थे, रह रहे थे, और हम देखते हैं कि कर्दम मुनि ने देखा कि वो ऐसे करते करते अपने शरीर का ना ध्यान देते हुए इतनी सुंदर कन्या, वो इतनी जो है दुर्बल होकर उनके केशों में जटाएं हो गई, पूरा धूल से शरीर, इस प्रकार से उन्होंने एक सुंदर जो है भुवन बनाया, उड़ता हुआ सिटी, पूरा सिटी जिसमें सब कुछ है, और इस प्रकार से उन्होंने जो है उनका इस प्रकार से उनकी तपस्या को देखकर उन्होंने इस प्रकार से उनको प्रदान किया, और कपिल मुनि जो है उनके पुत्र के रूप में सो स्वयं भगवान। तो माता देवहूति महान भक्त है भगवान के, कि उनके उनसे भगवान उत्पन्न हुए कपिल मुनि, और इसीलिए यहाँ पे श्री कपिल मुनि उनको राजपुत्री कहकर संबोधित कर रहे, ताकि हम जाने कि देवहूति माता का क्या
स्थान था, मतलब किस प्रकार से अपने पति की सेवा, अपने पुत्र की सेवा, और यहाँ अपने पुत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो श्री कपिल भगवान कह रहे हैं कि अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। तो ये योग विधि का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य यही है कि मन को केंद्रित करना, और जब मन को केंद्रित किया जाता है तो उसका परिणाम क्या है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य की मार्ग की ओर अग्रसर होता है। सत पथम यहाँ पे बताया गया है कि पहली बात तो ये है कि कपिल मुनि भगवान है, और वे भगवान स्वयं जो है यहाँ पे ये सत पथे या सत करा मार्ग जो है अपनी माता देवहूति को बता रहे। दो पथ है, एक है सत का पथ और असत, सत और असत। सत क्या है, असत क्या है, हमें जानना बहुत जरूरी है। असत मतलब क्या? असत का अर्थ वो है जो असल में नहीं है, नहीं है, does not exist, जो नहीं है या नहीं रहेगा, असत। और सत का अर्थ है जो हमेशा के लिए रहेगा। असत का पद हमेशा के लिए नहीं है, सत का पद हमेशा के लिए है। प्रभा जी अपने जो है प्रवचन में बताते हैं कि सत पति, there are two ways, one is सत पद and other is असत पद। असत पद mean which will not exist, जो नहीं रहेगा, और सत जो है हमेशा रहेगा। तो सत क्या है? जीवात्मा, आत्मा सत। और असत क्या है? शरीर, शरीर नहीं है। इसीलिए आत्मा और शरीर का अंतर जानना बहुत जरूरी है कि सत क्या है और असत क्या है। तो ये शरीर जो हम प्राप्त किए हैं वो जो है नष्ट हो जाएगा, ये सब जानते हैं, ठीक है ना? तो ये असत है, हमेशा के लिए नहीं है। पर आत्मा क्या है? हमेशा के, न हन्यते हन्यमाने शरीर, जो भगवत गीता में इसीलिए पहले ही भगवान ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के अंतर पहले ही दे दिया। अगर हम ये आत्मा और शरीर का अंतर जानेंगे, सत और असत का अंतर जानेंगे, तब जो है हम शांति प्राप्त कर सकते, नहीं तो शांति नहीं मिल सकती। जैसे कि यहाँ पे श्री कपिल मुनि बता रहे थे, इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होगा, प्रसन्न हो जाएंगे। असत का मार्ग अप्रसन्न करता है, और सत का मान प्रसन्न।
भक्त प्रसन्न आत्मा जो इस सत्य के मार्ग को समझता है, वो जो है हमेशा जो है प्रसन्न रहेगा, कभी भी दुखी नहीं रहेगा। ये ज्ञान जानना बहुत जरूरी है, जो अभी कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताए, और देवहूति माता उसको समझ रही है, तो ये कोई भी समझ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई साधु, यहाँ पे देवहूति कौन है, एक स्त्री है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो ये जो सत का मार्ग, यहाँ पे कपिल मुनि बताने जा रहे हैं और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सत का पथ मतलब हमेशा का, और ये ही हमारा जो गोल है, हमारा गंतव्य वही है कि हम ये सत्य पे मार्ग पे जाए, जो हमेशा के लिए। प्रभुपाद जी बताते कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अगर मेरे पास अच्छा बंगला हो, अगर मेरे पास अच्छी पत्नी हो, अगर मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस हो, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल बिकम हैप्पी। पर ये सब असत है, क्योंकि कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ रहने वाला नहीं है। इस शरीर समाप्त होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस शरीर के साथ हमारा बैंक, कितना परिश्रम, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा बंगला, हमारा गाड़ी, हमारा साज सामान, कितना इतना लगाव, इतना सब जमा कर रहे, किसके लिए? असत के लिए। ये सब असत है, सब भस्म हो जाएगा इस शरीर के समाप्त होने पर। तो इसीलिए सत संग, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सत संग छाड़ी कई कई नु असते विलास ते करने लागी ने मोर कर्म बंध फास। तो ये जो है ये सत, तो भगवान की भक्ति में अग्रसर होना जरूरी है। अगर हम भौतिक जीवन या भौतिक दुनिया में हम अग्रसर हो रहे हैं, तो ये तो असत है, हमेशा के लिए नहीं है। तो सत के पाथ पे जाना जरूरी है। जो असत के मार्ग पे है वो मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि वे जो रहने वाला नहीं है, उस चीज के पीछे अपना सारा जीवन और मृत्यु सब कुछ भर लेगा। अगर हम कुछ इतना जमा किया, कोई आपे ले ले, तो ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हम इतना परिश्रम करके बड़ा पोजीशन कंपनी में करें और कोई आके हमारा पोजीशन ले ले, क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तो भौतिक जगत में हम ऐसे कर, लेकिन हमारा पोजीशन, हमारा गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ एक साथ कोई ले ले वो मृत्यु के समय, तो क्या ये अच्छी बात है? तो ये असत है।
और इस असत के पीछे हम भाग रहे हैं। तो इसीलिए क्यों? कारण यही है। क्या कारण है? अज्ञानता, अज्ञान, अविद्या। पर अज्ञानता हमें नहीं बचा सके। अरे हमको नहीं पता था, हमको नो 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 छोड़ो, मेरे पति, मेरे परिवार, मेरा मेरा बंगला, मेरा गाड़ी मत लो, मत लो, मुझे नहीं पता था। कठोर है प्रकृति के नियम। यहाँ पे भौतिक जगत में जो नियम बताते हैं, एक सबसे बड़ा जो है अधर्मी है, या सबसे बड़ा जो दूषित व्यक्ति है, पैसा देके न्याय को भी हाथ में ले सकता है, लेकिन प्रकृति के सामने ये नहीं चलेगा। प्रकृति के नियम कठोर है। हमारा कर्तव्य है कि हम जाने नियमों को। हम नहीं से कह सकते कि नहीं, हम नहीं जानते थे ये सब। प्रकृति हमें नहीं, प्रकृति हमें सहायता करती है सब चीजों के लिए, पर अगर हम नहीं करें तो दोष किसका है? तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इस अब अध्याय में भगवान कपिल देव द्वारा बताए गए योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है। अतः इन आदेशों को अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए, अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि कौन बता रहे? भगवान स्वयं ये योग की पद्धति बता रहे हैं। तो कोई कहेगा कि ये तो मुनि है, पर ये अगर मुनि भी है वे महाजन भी है। ये महाजन है, 12 महाजनों में से एक है कपिल मुनि। स्वयं वह नारद शंभु कपिल कुमार मुनि, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, व्यासकेलयम्। तो इस प्रकार से ये 12 महाजन है, और इनमें से कपिल मुनि यहाँ पे अथॉरिटी है, वे बता रहे हैं कि इस योग की पद्धति को अपना से हम जो है प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि योग अभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। तो ये योग पद्धति किसके लिए है? परम सत्य की ओर जाने के लिए। योग इसके लिए नहीं है इंद्र तृप्ति करने के लिए, या कुछ जो आकर्षक आश्चर्यचकित योग शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है। योग का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट रूप से कपिल मुनि बताते हैं कि भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करना, सत के पथ पर जाना, और सत का पथ यही है। भगवान श्री कृष्ण को, परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा, ये परम सत है जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये मार्ग क्रमशः साक्षात्कार करने का मार्ग। तो इसकी पुष्टि भी भगवद गीता में हुई है, जिसमें श्री 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में
कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है, जो कृष्ण भावना भावित है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजन्ते हो समय युक्त। तो मत, भगवान अपना मत बता रहे कि सभी योगियों में से कौन श्रेष्ठ है, जो मेरे अंतरकरण से मेरी भक्ति करता है, मेरा ध्यान करता है। मद्गतेन अंतर आत्मनः, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से भगवान को ध्यान करना चाहिए, जो भक्ति, जो योग की सर्वश्रेष्ठ पद्धति। सभी योगी या सभी प्रकार के योग जो हैं, उन योग और योगियों में से वो कौन श्रेष्ठ है जो मत गति अंतरात्मना मत मेरे। तो यहाँ पे कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। समझने की कोशिश करो, ये विधि है, अपने ही बलबूते पे, अपने ही मानसिक चिंतन से या अपने ही द्वारा, क्योंकि सब लोग पीड़ित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस भौतिक जगत में पीड़ित नहीं है। चार प्रकार के क्लेशों से सब रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, यहाँ पे विधि बताई गई है। तो इस विधि को समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, अगर हम इस असत से सत के पथ पर आकर हम प्रफुल्लित रहेंगे। भगवान कपिल जो योग को के महान अधिकारी है, तो ये पर अधिकारी है, महाजन है, स्वयं भगवान है, तो और क्या प्रमाण चाहिए। हम जाते हैं किसी के पास तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है देखते हैं ना, डॉक्टर के पास देते हैं तो कितना उनका डिग्री है, क्या है ये, क्या है। तो भगवान यहाँ यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कि महान अधिकारी। यहाँ पर योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें आठ विभिन्न अभ्यास सम्मिलित है। तो ये अष्टांग योग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये योग आसन एक अंग है, और वो आसन सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये आसन का जो है विधि क्या है और वो क्या प्राप्त कर सकते। तो आठ अष्टांग योगा, अष्ट आठ अंग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि। तो समाधि तक पहुंचने के लिए पहला कदम यम नियम से शुरू होता है, और जाते जाते इस प्रकार से आठ स्तरों पर से गुजरने के बाद समाधि के स्तर को प्राप्त हो सकता है। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से मनुष्य को भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग का लक्ष्य है। समस्त योग का लक्ष्य जो भगवान ने बताया, योगी नाम भी मद्गतेन अंतरात्मना। तो तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिसमें मन को
शून्य पर या निराकार पर केंद्रित कर किया जाता हो जाना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसका मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसकी कपिल देव बताते। तो ये सब शून्यवादी और निराकारवादी और निर्विशेषवादी, तो ये सब ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये सब बनाया गया चीज है, शास्त्रों का जो है यहाँ वहां से भाग लेकर बताया गया। तो ये जो है युग यहाँ पे कपिल मुनि जो है कहते हैं कि ये मार्ग जो है सत्य के पथ, प्रसन्न करने वाला। प्रसन्न मतलब क्या? हमेशा के लिए। तो ये अष्टांग योग, तो यहां तक कि पतंजलि बताते हैं कि समस्त योग का लक्ष्य विष्णु है। अगर हम योग योग कर रहे, योगा कर रहे और हम भगवान के पर ध्यान हमारा नहीं जा रहे, विष्णु को नहीं प्राप्त है, तो योगा योगा नहीं है। पतंजलि जो अथॉरिटी है, चलो योग योगा के पर जो अथॉरिटी कौन है? पतंजलि। तो योग की सफलता यहाँ पे बताया गया है कि अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है। तो ये वैष्णव विधि का अंग है, अष्टांग योग इज देयरफॉर अ पार्ट ऑफ वैष्णव प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स अल्टीमेट गोल इज रियलाइजेशन ऑफ विष्णु। सो नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि हाउ डू यू डू अष्टांग योगा? अगर अष्टांग योगा वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य विष्णु का साक्षात्कार है, तो ये अष्टांग योगा करना जरूरी है। तो कृष्ण भावनामृत भगवान की भक्ति जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भगवान की भक्ति के नियमों का, कृष्ण भावनामृत नियमों का पालन करने से ये सभी आठ प्रकार के जितने भी योग सिद्धियां हैं या योग के अंग है वो पूर्ण हो जाते, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान विष्णु की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा। तो हम देखेंगे किस प्रकार से, कि किस प्रकार से भक्ति करने से, इसीलिए भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना। सभी योगियों में से जितने भी योगी हैं, जितने भी प्रकार के योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, जितने भी प्रकार के योग है, भक्ति परम है। तो अष्टांग योग का पहला अंग क्या है? यम। यम मतलब क्या है? अपने आप को जो है संयमित करना, जैसे कि हम चार नियमों का पालन करते हैं, चार नियमों का पालन को यम कहते हैं। ऑब्स्टेनेंस, ऑब्स्टेन, चार नियम के जो नियम है हम सब जानते हैं। आई ट्राई टू कवर दिस फास्ट बिकॉज समय, पर ये इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से ये आठ अष्टांग योग के जो अंग है, हम कृष्ण भक्ति में या कृष्ण भावना मृत में, कृष्ण भावना
होकर हम इसको सफल कर सकते हैं। तो यम है चार नियमों, नियमों का पालन। दूसरा है नियम, नियमों का पालन करना। पहले तो नियम है उसका पालन करना, जो भगवान भी बताते भगवद गीता में, राग द्वेष विमुक्तैः विषयान इंद्रियाश आत्मा वैश्य विधेयात्मा। विधेयात्मा का अर्थ है फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जो अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ये भगवान की कृपा प्रसाद अभिगच्छति, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक अंग है नियम। आसन, तो ये आसन मतलब पोस्चर, आसन मतलब सीधे बैठना। क्लास में जब हम बैठते हैं हम देखते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज आसन में बैठे हैं, योगासन है ये, आसन में बैठकर जो है हमें ध्यान करना चाहिए या हमें अपना जप करना चाहिए। जैसे हम जप करते हैं तब हमारा आसन हो जाता है, बैठ के करना अच्छा है। बैठ के करने से जैसे कि क्या कहते हैं उसको, पद्मासन, राइट, फोल्डेड लेग्स पद्मासन। पद्मासन में बैठे ऐसे ना बैठे, मतलब मैं पैर, ये हाथ नहीं है समझो, ये पैर है, ऐसे बैठे। तो हम बैठते हैं सीधा बैठकर ये आसन के रूप में, तो इससे क्या हो जाता है, और नीचे बैठने से क्या हो जाता है, ये त्रिकोण बन जाता है, अपना शरीर एक त्रिकोण बन जाता है। जो भी हम करते हैं उस आसन से वो जो है अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता। और अगर हम अपनी उंगलियों उसको टच करते हैं तो पूरा जो हमारा विधि जो भी हम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बाहर, क्योंकि चलते समय पैरों से बाहर जाएगा, यहाँ जाएगा, हाथों से यहाँ, दृष्टि यहाँ वहाँ जाएगी। तो इस प्रकार से आसन भी हम करते हैं, पर भक्त लोग को करना बहुत जरूरी है। अगर एटलीस्ट कुछ एक माला दो माला जितना भी हो सके आसन बैठ के, आसन ग्रहण करके उसको करना है। प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि वो बहुत जरूरी है कि आसन एक शांत वातावरण में बैठकर अपने सिटिंग पॉस्चर्स को कंट्रोल करना है। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं ऑटोमेटिकली श्वास अंदर जाता है बाहर आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम ध्यान आसन में बैठे हुए इस प्रकार से हम प्राणायाम को करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं एज फार एज प्राणायाम इज कंसर्न, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड डांसिंग इन एक्सटेसी इज फुलफिलिंग प्राणायाम। जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान के कीर्तन में हम नाच रहे हैं तो प्राणायाम भी फुलफिल हो जाता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम फुलफिल हो गया भक्ति में। प्रात्याहार, प्रात्याहार मतलब क्या है, अपनी इंद्रियों को
विड्रॉइंग ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों को विड्रॉ कर, सेंस ऑब्जेक्ट से उसको विड्रॉ करना है। और भगवान भगवत गीता में उदाहरण देते हैं, कूर्मो अंगा अंगा निव सर्वस, अपने अंग को कूर्मा, जिस प्रकार से कूर्म या कच्छप अपनी अंगों को अंदर ले रहे, इसको कहते हैं विड्रॉ। वन वॉज एबल टू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट, जस्ट एज अ टॉर्टोइस ड्रॉज हिज लिम्ब्स इन विद इन द शेल्फ इज टू बी अंडरस्टूड टू बी सिचुएटेड इन नॉलेज। प्रत्याहार, रिड्रॉइंग द सेंसेस, विड्रॉ, see no evil, hear no evil, speak no evil, withdraw everything from all this. Now withdraw के बाद में धारणा, जो withdraw करने के बाद जो भी हम हमारी ध्यान में जो धारण, मतलब हम भगवान को के नाम को, जैसे कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम को हमारे हृदय में धारण करते, फिक्स करते हैं, जो वो हिलेगा नहीं, धारण मतलब उसको पकड़ के रखना ध्यान। तो ये धारण के बाद में जब धारण कर दिया तो ध्यान की अवस्था, भगवान को अपने हृदय में, भगवान के हरि नाम को अपने हृदय में धारण करके फिक्स, अभी यहां वहां नहीं जाएगा, फिक्स, वो हिल ही नहीं सकता। तो ये कैसा ध्यान योगी नाम, मत गतेन अंतरात्मना, अंदर अपने अपने अंतकरण में ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान अवस्था में पकड़ के तद्गतेन, मतलब बीइंग कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड, कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा, इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, और मन तब और कुछ भी नहीं, ध्यान ध्यान बस एक ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान, मन और कुछ नहीं सोचता। तो ये यम नियम के जो अनेक अनेक चीजें गुजरने के बाद जो हरि नाम से शुरू होता है या नियम से शुरू होता है, उसको करके हम भगवान का ध्यान अवस्थिता तद्गति नाम मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो योगी जो अपने अंतकरण में ध्यान में भगवान को पकड़ के रखते हैं, और जब ध्यान मतलब मन सिर्फ भगवान को, वेकेंट नहीं है, वॉइड नहीं है, ब्लैंक नहीं है, ध्यान ध्यान मतलब भगवान के रूप का ध्यान, और मन जो है भगवान के रूप के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करता है, और फिर समाधि मतलब कंप्लीट एब्सॉर्प्शन, अनडिवाइडेड। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धि जो है मन यहां वहां नहीं, उसको समाधि, और समाधि का अर्थ है क्या, हमेशा मन जो है भगवान में ही रमता है, भगवान का ही जो है मन में, सिर्फ भगवान ही भगवान और कुछ नहीं है, और कृष्ण भावनामृत। क्यों सभी योग
पद्धति, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वेश मद गतेन अंतरात्मना, क्योंकि उनके अंतरकरण में से भगवान है, सब कुछ जहां पे भी देखता है, कुछ भी करता है, उसको ऐसे आसन में बैठ के समाधि में कोई 1 घंटा जा रह सकता है, 2 घंटा रह सकता है, 3 घंटा रह सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना भावित होने से व्यक्ति 2400 घंटे जो है समाधि में रहते हैं, इसको समाधि कहते हैं। फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज समाधि, 24 आवर्स समाधि, नॉट दैट पीरियोडिकल समाधि जिस द ऑर्डिनरी योगीज 1 आवर 2 आवर, बट कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज इन समाधि 24 आवर्स, 10%, ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। मैं आसक्त मनसा, भगवान कहते मन, मैं आसक्त मनसा पात योगम युंजन मत आश्रिता। तो भगवान युंजम मद आश्रिता, भगवान पूरी तरह से भगवान में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए ऐसा योगी, असली योगी है, और यही समाधि है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि सिर्फ भक्ति और कृष्ण भावना भावित रहकर, कृष्ण भावना भावना भावनामृत के जो नियमों को पालन करने से हम समाधि के स्तर तक पहुंच सकते हैं और अपने अंतःकरण में भगवान को देख सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। समय थोड़ा और ले लिया तो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट।